पौष्टिक पकवान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। पौष्टिक पकवान किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सैंडविच और ये हम ग्रिल सैंडविच बनाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने सैंडविच मेकर रखा हुआ है और इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने वाइट ब्रेड ली है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। और जो इसके कॉर्नर्स हैं वो मैंने कट कर लिए हैं। ग्रिल सैंडविच का ये फ़ायदा है कि बिना ऑयल का यूज़ किए आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें बटर का यूज़ करूँगी। और जब हम ये सैंडविचेस बनाते हैं तो उसमें हम मेयोनीज भी यूज़ करते हैं, चीज़ भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो ये सब हटा सकते हैं। आप ग्रिल सैंडविच जो मेकर है इसमें आप बिना किसी फैट वाली चीज़ का यूज़ करे भी इजीली बना सकते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने ब्रेड ले ली है और इसके चारों जो कॉर्नर्स होते हैं वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। तो चलिए बनाते हैं हमारे सैंडविचेस। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैंने सैंडविच चटनी तैयार की है। तो सबसे पहले हम ब्रेड के ऊपर इसको अच्छे से अप्लाई कर देते हैं। तो सैंडविच चटनी मैंने अच्छे से अप्लाई कर दी है। अब हम इस पर केचप लगा देते हैं ऊपर वाली ब्रेड पर, क्योंकि मैं इसको ऊपर से रखूंगी। इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर देती हूँ। तो टोमेटो केचप भी यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया है। और इस तरह से यहाँ पर मैंने बटर की स्लाइस करके रखी हुई है तो वो भी मैं इस पर डाल देती हूँ। तो बटर भी मैंने यहाँ पर रख दिया है। आप इसमें मेयोनीज भी यूज़ कर सकते हैं और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने बटर लिया है। तो चलिए अब इस पर हमारी वेजिटेबल्स हम डालते हैं। अगर आप चाहें ज़्यादा आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप जो सैंडविच मसाला आता है वो भी इस पर डाल सकते हैं, और ब्लैक पेपर पाउडर आता है वो भी आप डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो। वैसे जो हमने ये सैंडविच की चटनी बनाई है काफ़ी स्पाइसी है, इसलिए ज़्यादा मसाले इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं और जो सैंडविच मसाला है वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर वेजिटेबल्स कट करके रखी हैं। आप चाहें तो राउंड शेप में भी कट करके डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पीसेस में इसको कट भी किया है और ग्रेट भी किया है वेजिटेबल्स को। ये ज़्यादा इजी होता है जब हम इसमें इसकी स्टफिंग भरेंगे, ज़्यादा इजी होता है और इस तरह से ज़्यादा वेजिटेबल्स इसमें हम स्टफ कर सकते हैं। तो वेजिटेबल्स में यहाँ पर मैंने कैरेट लिया है, इसको ग्रेट कर लिया है, शिमला मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, पत्ता गोभी को कट कर लिया है, टमाटर को भी कट किया है और ये खीरा इसको भी कट किया है और प्याज को भी कट कर लिया है। आप चाहें तो इनको सबको ग्रेट भी कर सकते हैं या फिर स्लाइसिस में भी कट कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर मैंने बटर लिया है, आप चीज़ या मेयोनीज डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और फिर भी आप उसको इसी तरह से बनाना चाहते हैं तो सबके पास घरों में मलाई तो रहती है, तो आप ऐसा करिए अच्छे घर में से आप फ्रेश मलाई लीजिए और ये सारी वेजिटेबल्स के अंदर मिक्स करके और फिर आप ब्रेड की स्लाइसिस पर रख दीजिए तो वो ही टेस्ट आएगा और उतने ही टेस्टी सैंडविच बन के तैयार होंगे। आप चाहें तो सारी वेजिटेबल्स को इकट्ठा करके फिर आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी सी वेजिटेबल्स लेके इसमें डाल देती हूँ। अगर आपने राउंड शेप में कट की हुई ये वेजिटेबल्स तो वो भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से मैं सारी वेजिटेबल जो कट करके रखी हुई है वो मैं सब इस पर डाल देती हूँ थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पर सारी वेजीज मैंने सैंडविच के अंदर अच्छे से स्टफ कर दिए। अब ये वाली ब्रेड हम इसके ऊपर रख देते हैं। और अब हम इनको ग्रिल करते हैं। सैंडविचेस को ग्रिल करने के लिए सैंडविच मेकर है, इसको मैं ऑन कर देती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रेड लाइट है वो ऑन हो चुकी है। अब जब ये ग्रीन वाली लाइट है ये ऑन होगी तब हम इसमें सैंडविचेस रखेंगे। 1 से 1.5 मिनट लगेगा।
थोड़ा 1-1.5 मिनट के लिए हमको पेशेंस रखना पड़ता है। एक बार ये ग्रीन वाली लाइट ऑन हो जाए फिर हम इसमें फटाफट सैंडविचेस रख देंगे। डेढ़ मिनट के लगभग अभी लगेंगे, और जब ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी और हम सैंडविच रखेंगे तो 1.5 मिनट ही तब लगेगा, और 3 मिनट में फिर ये बन के रेडी हो जाएंगे। तो ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है तो मैं इसको खोल लेती हूँ और सैंडविचेस को हम इस पे रख देते हैं। थोड़ा सावधानी से रखिए, गर्म हो जाता है ये। अब हम इसको बंद कर देते हैं। अब 1 से 1.5 या 2 मिनट के बाद ये जो ग्रीन लाइट है ये वापस क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तब हमारे ये जो सैंडविचेस हैं ये अच्छे से ग्रिल हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें से आपको धुआं आता दिख रहा होगा, तो ये बहुत अच्छे से ग्रिल हो रहे हैं। जैसे ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी तो फिर मैं स्विच को ऑफ कर दूंगी और हमारे सैंडविचेस बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ये जब धुआं निकलता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये तो इसका मतलब ये इंडिकेशन ही होता है कि ये अच्छे से बेक हो रहे हैं, अच्छे से ग्रिल हो रहे हैं। तो ये देखिए ग्रीन लाइट ऑफ हो चुकी है तो मैं स्विच को भी ऑफ कर देती हूँ और इसको हम खोल लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ग्रिल हुए दिख रहा है आपको। तो टोटली 3 मिनट लगे और 3 मिनट के अंदर ये हमारे सैंडविचेस बहुत अच्छे से ग्रिल हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। इस टाइम ये काफी गर्म रहते हैं, थोड़ी सावधानी से निकालिए आप। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे ग्रिल सैंडविचेस बनके बिल्कुल रेडी हैं, और जैसा कि आपको दिख रहा है बहुत ही अच्छे बने हैं, काफी टेस्टी हैं, काफी हेल्दी भी हैं क्योंकि ऑयल फ्री हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया बटर या फिर मेयोनीज या फिर चीज़ इसमें यूज़ करना है या नहीं करना है वो आपकी चॉइस के ऊपर है, इन सब के बिना भी आप इसको इजीली बना सकते हैं।
तो देखिए हमारे सैंडविचेस बनके बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। तो आप भी इसी रेसिपी से फ्रेंड्स बनाइए, खाइए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।